होटल कारोबारी दे उत्ते तेज तार हथियार नाल हमला होया है। सो दसदे ने बचाव करन आए ड्राइवर नू भी नहीं बख्शा गया, उसते भी हमला किया गया और दोवें गंभीर जख्मी जिन्हां नू जेरे इलाज ने हस्पताल दे। सो दसदे ने कि होटल कारोबारी दे कहन मुताबक उसते पहला भी कई बार हमला होया है और जानलेवा हमला होया है, जिस तो बाद पुलिस नू इसकी सूचना जड़ी है कई बार दे चुके आ। दसदे ने कि जो होटल कारोबारी है उसके कहन मुताबक होटल जड़े ने उसका जो कारोबार है उसनू कुछ लोग कब्जा करना चाहते ने, जिसके तहत उसते ये हमले लगातार कई बार जड़े ने उसते किए गए ने। और जो अज भी जो एक होटल अपना काम करने गया सीगा तां राह दे विच ही 7:30 बजे के करीब राह दे विच उसते कुछ नकाबपोश नौजवानों वालों तेजधार हथियारों के नाल हमला किया गया और कारोबारी के कहने मुताबक उत्थे काफ़ी लोग मौजूद सी पर किसी ने भी उसका बचा नहीं किया। ड्राइवर जड़ा है उसका वो आया सी बचा करन तां उसनू विस्ते भी जड़ा है तेजधार हथियार ना उसते भी हमला किया गया। फिलहाल तस्वीर हस्पताल दी दिखा रहे हैं जिथे ड्राइवर और होटल कारोबारी दोवे मौजूद ने, इलाज जड़ा है उन्हों का किया जा रहा है। दस देने कि मामला जड़ा है वह कहा जा रहा है कि विवाद ये है कि कुछ लोग कब्जा जड़ा है उसके बिजनेस से करना चाहते ने, उसी दे करके ही लगातार और कई बार उसते ये हमला होया है पर पुलिस प्रशासन वालों कोई पुख्ता कार्रवाई नहीं की जा रही। और पहला भी उसने दसिया से कि कई बार हमले हो चुके ने और तेजधार हथियार नाल इस बार भी उसते हमला किया गया। तो रब का शुक्र है कि उसका बचाव होया है पर जिस तरह के नाल उन्होंने हमला किया एक कारोबारी के कहने मुताबक उसनू नहीं सी उम्मीद कि उसका बचाव होवेगा। फिलहाल तस्वीर तुहानू असी दिखा रहे हैं ये दोवें नौजवान जिन्हां विचों एक होटल कारोबारी है और एक ड्राइवर है, दोवें जड़े ने गंभीर जख्मी ने। क्या ये जा रहा है कि किरचां दे नाल हमला जड़ा है उन्हां ते कीता गया पर लोग जड़े उत्थे मौजूद सी उह तमाशबीन बन के वेखते रहे, किसी ने भी उन्हां दा बचा नहीं किया। पुलिस प्रशासन तो इंसाफ की मांग कर रहे ने दोवें जड़े नौजवान ने कि पुलिस नू बार बार सूचना भी दित्ती गई सी, कई बार इन्हां नू पुलिस दे कोल रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई, बावजूद इसते कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, जिसका खामियाजा हर बार उसनू भुगतना पैंदा है। और इस बार भी हमला जड़ा है बहुत सारे नौजवान आए सी जो कि जिन्होंने मुँह ते रुमाल बन्ने हुए सी, नेरा होने करके जड़ी सी उन्हां दी पहचान चंगी तरह नहीं हो पाई। लगातार ताबड़तोड़ उसते किरचां दे नाल हमला किया गया, जदों बचाव करन उसका ड्राइवर आया तो उसते भी हमला किया गया है। फिलहाल पुलिस नू जिहड़ी है सूचना दे दी गई है, पुलिस वालों भी मामला दर्ज कर लिया गया है और हर बार की तरह पुलिस वालों इस मामले दे विच दोष गिरफ्तारी की गल जिहड़ी है वह कही गई है, भरोसा दिता गया है। पर जो कारोबारी है और जो जिसते हमला होया उसके कहने मुताबक लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वह बद तो बदतर हो चुकी है। बेखौफ होकर जोड़े बदमाश ने वह सड़कों पर घूमते ने हथियार लैके, पर कोई भी कार्रवाई पुलिस वालों जी है वह नहीं होंगी। पुलिस की कार्रवाई इस वेले ठंडी पई हुई है, शिकायत बार बार देने दे बावजूद भी कार्रवाई ना होना, पुलिस दे जी है कार्रवाई वह प्रशासन जो है उसते काफ़ी जड़े ने सवाल उठते हैं कि आखिरकार जड़े लोग ने वह अपने आप नूं सुरक्षित कित्थे महसूस करनगे। फिलहाल होटल कारोबारी तस्वीर असीं दिखा रहे हैं जो लगातार मीडिया नूं जानकारी दे रहा है कि किस तरह के नाल वह अपने काम दे लई होटल दे विच गया सीगा, जिवें ही काम करके बाहर आया तो उसके उत्ते हमला जड़ा है कर दिता गया। उसनूं कुछ समझ नहीं आया क्योंकि अचानक जड़ा है उन्होंने वालों कई नौजवान से जो नकाबपोश से उन्होंने हमला किया गया। प्रभजप्रीत सिंह चड्डा नाम जड़ा है वह दसिया जा रहा है होटल कारोबारी का और उसका ड्राइवर दोवें जख्मी है जिन्होंने हस्पताल दे विच भर्ती करवाया गया है। गुरु नानक देव हस्पताल दे विच जेरे इलाज ने दोवें और इन्हां दोवां जाणियां वालों की कुछ जड़ा है इस पूरे मामले दे विच जानकारी दित्ती गई है क्योंकि जड़ा होटल कारोबारी है उसके कहने मुताबक कुछ लोग जड़े ने ओह उन्हां दा कारोबार खोन दी कोशिश जड़ी है वह कर रहे ने और बार बार उन्हां ते हमला किया जा रहा है ताकि वह डर जान और अपने आप ही ये जड़ा कारोबार है उसका होटल का वह उन्होंने सौंप देन, क्योंकि जो होटल कारोबारी है उसके कहने मुताबक अमृतसर दे विच कई होटल जड़े ने उन्होंने परिवार के ने और एक होटल का काम ही जिसनू लैके वह अपने होटल दे विच गया सीगा, जदों बाहर परतिया तां उसते एकदम हमला हो गया। ड्राइवर ने बचा करन लई वह विचाया तो उसनू भी नहीं बख्शा गया, उसते भी किरचां दे नाल लगातार हमला किया गया। फिलहाल दोवें जिहड़े ने जेरे इलाज ने की कुछ किया है उन्होंने आओ सुनदे हां।
मैं इन्हां नाल ड्राइवर के तौर पर काम करता है। तो इत्थे कल ग्रैंड मिलेनियम च मीटिंग लई गए हुए सी, तो उत्थे दो अणपछाते बंदे ने इन्हां ते हमला करता। मैं छडाण गया होया तो उन्होंने मेरे भी किरचना हमला किया, तो मेरे हाथ से काफ़ी डूगा कट लगा हुआ, तो सिर पर पग पगड़ी भी पाड़ गई थी, सिर पर वार कर दी कुछ की इतने चीरा आया है सिर पर। बंदे पता लगे कि नहीं भाजी, बंद पता लगा हनेरा सी, तो एक तो उन्होंने रुमाल बने हुए थे मेरे से। मांग की करते मैं ही भाजी अपना इंसाफ चाहना, जो भी बनती कार्रवाई की जाए मुलजमान से इंसाफ दिता जाए। सत श्री अकाल जी, मैं प्रभप्रीत सिंह चड्डा आया, तो मैं अमृतसर शहर का वासी हाँ। अते मेरे परिवार के कई होटल ने अमृतसर शहर विखे, तो असी होटल के कारोबारी हाँ। कल रात को मेरा ग्रैंड मिलियन नाँ का, जो मैं बैंकुट हाल के अंदर काम करन गया सी, आपका कारोबार वेखन गया सी, ते मैनू रात को तकरीबन 7:30 बजे कुछ बंदिया ने आके मेरे उत्ते हमला करता। ये बंदे जिहड़े जिन्हां ने आके मेरे उत्ते कल रात को हमला किया, मेरे उत्ते कई बारी छुरे ते किरचा मारियां, तो मेरे लक ते मेरे ढिड ते मेरे छाती च छुरे मारे। मेरे जिहड़े एक ड्राइवर साहब हुंदे ने जिहड़े मेरे नाल, जिन्हां ने कल मेरी जान बचाई, उन्हां दे सिर च, उन्हां दे मूँह ते, उन्हां दे हत्थां च छुरे मारे, उन्हां दीआं हड्डियां तक तोड़तीआं, ते उन्हां दा कल सवेरे इत्थे प्लेटां पैणियां, उन्हां दा ऑपरेशन भी है। ते ए बंदे मैनू पिछले कई महीनों तो तंग परेशान कर रहे हैं। इन्होंने अगे भी दो तीन बारी मेरे उत्ते जानलेवा हमला किया। एक बारी जदों पिछे जी करके, कुछ महीने पिछे करके, इन्होंने मेरे होटल ते कब्जा करन दे मारे मेरे उत्ते रात नू कई बंदियां नाल हमला किया। मेरा करोड़ों का समान, मेरा होटल का समान, मेरे होटल का कैश, मेरा होर अपना, मेरे लोगों के मेरे मोबाइल फोन, मेरे होर जिहड़े नाल डायरेक्टर काम करते हैं, जिहड़े जिन्हां चों एक मेरे अपना सरदार सतेंद्र सिंह जी जिन्हां का नाम है, उन्होंने मारिया कुटिया, उन्होंने सिर के उत्ते पिस्तौल लाता कि भी तुसी अपना किसी भी तरीके तुसी इत्थों बाहर निकलो, साडियां तिजोरियां तोड़ के विचों समान चोरी कर लिया। तो ये परिवार, ये जिहड़े शिंगारी ने अते होर इन्हां दे भाईवाल जिहड़े, ये साडे परिवार नूं बहुत ज़्यादा तंग परेशान कर रहे हैं। अज मेरे दूजे बिजनेसां ते भी आके इन्होंने हमला करना शुरू कर दिता, जिन्हां नाल इन्हां दा कोई लैन देन नहीं है। तो कल मैं अपनी जान बचा के ते इन्हां दे हत्थों निकलिया जी। मैं कल रात को इस बारे पुलिस को कंप्लेंट कर दिती हुई है। 112 नंबर से भी असी उस वेले कॉल करके कंप्लेंट कर दिती सी, ते सानू पूरा विश्वास है सरकार ते अपना पुलिस विभाग ते कि सानू साडा इंसाफ मिलेगा। उनकी मांग की करते भाजी? हाँ जी जी, मांग की करते भाजी? की कह रहे हो जी? हाँ जी सर, एक प्रापरी वालों कंप्लेट की गई कि कुछ नौजवान ने हमला किया, की कर रहे हैं? हमला ही जाके मौके पर सारी इन्वेस्टिगेशन करके, तो अणपछाते आदमी ही जिन्होंने हमला किया है, तो अं केस रजिस्टर करता है मुकदमा नंबर 220/2011-2023 323-452-34 IPC का। तो अं इन्वेस्टिगेशन कर रहे, जो जो सच्चाई आऊगा वो तफ्तीश अमल में लिया जाएगी। झगड़े का कारण पता लग सकता? नहीं, हाले नहीं लगा।